हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम जय शाह, देख रहे हैं जयडर व्लॉग्स। तो चलो चलें शुरू करें। सो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है वो हमारे फूडीज के लिए है, जो फूड खाना पसंद करते हैं, जो फूड को बहुत पसंद करते हैं। आज का व्लॉग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। सो गाइस, आज हम आपको बनाना सिखाएंगे आलू के चिप्स। अब आप सोच रहे होंगे आलू के चिप्स तो सभी को आते हैं। नहीं गाइस, हम आलू के चिप्स बनाना सिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ दो मिनट में। अब आप सोच रहे होंगे दो मिनट में कैसे, आलू के चिप्स बनने को तो तीन दिन लग जाते हैं। नहीं गाइस, हम सिर्फ दो मिनट में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं आलू के चिप्स। दोस्तों, अगर आपका मन भी मेरी तरह आज कुछ खाने को कर रहा है पर टाइम कम है, और टाइम सेविंग के साथ साथ आज हम बनाएंगे इंस्टेंट पोटैटो चिप्स, आलू के करारे चिप्स। तीन चार आलू लेते हैं। ये रहे आलू, दो आलू मैंने यहाँ पे दो आलू लिए हैं। आलू को पहले हम इस धो लेंगे किसी पैन में। एक पैन लेते हैं और इसमें डालेंगे पानी। आलू को धोना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, जो उसमें मिट्टी लगी हुई है वो धुल जाएगी। तो उसको हम धो के एक बार रेडी कर लेते हैं, इतने पानी में सफिशिएंट रहेगा। देखिए, यहाँ पे मैंने अच्छे से आलू को धो लिया है और अब हम इसे फिर एक प्लेट में निकाल लेंगे। फटाफट करेंगे सारे काम, क्योंकि दो मिनट में हमें चिप्स बना के दिखाने हैं। तो अब बारी है इनके छिलके उतार लेने की। हम यहाँ पे एक नाइफ से इसके छिलके उतारेंगे धीरे धीरे। फ्रेंड्स, आलू जितने बड़े हों साइज़ में तो चिप्स भी उतने ही बड़े और करारे बनेंगे। बेटर ये रहेगा आलू आप बड़े बड़े लें, छोटे आलू की छोटी चिप्स बनेगी अदरवाइज। तो मैं इन्हें सारे छील के एक बार ले आता हूँ वीडियो में, फिर वापस आते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारे चिप्स उबलने के लिए तैयार हैं। आपको यहाँ ध्यान ये देना है कि इन चिप्स को दो मिनट तक ज़रूर उबालें। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे चिप्स ग्रेट करके तैयार कर लिए हैं। जैसे देखिए इनका साइज़ कितना कितना बड़ा साइज़ है, क्योंकि आलू भी बड़ा था काफ़ी। इस तरह से हम पानी में यहाँ पे इनको एक मिनट डुबा के रखेंगे। इसके बाद हम इसे निकाल लेते हैं अलग प्लेट में। ये देखिए, इस प्लेट में निकाल के हमें यहाँ पे इसको तैयार कर लेना है। फटाफट कर लेते हैं इनको। ये देखिए, काफ़ी चिप्स बन गए हैं दो आलू से। काफ़ी बड़े आलू भी थे और चिप्स भी काफ़ी बड़े बनने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे चिप्स ग्रेट करके तैयार कर लिए हैं। जैसे देखिए इनका साइज़ कितना कितना बड़ा साइज़ है, क्योंकि आलू भी बड़ा था काफ़ी। इस तरह से हम पानी में यहाँ पे इनको एक मिनट डुबा के रखेंगे। इसके बाद हम इसे निकाल लेते हैं अलग प्लेट में। ये देखिए, इस प्लेट में निकाल के हमें यहाँ पे इसको तैयार कर लेना है। फटाफट कर लेते हैं इनको। ये देखिए, काफ़ी चिप्स बन गए हैं दो आलू से। काफ़ी बड़े आलू भी थे और चिप्स भी काफ़ी बड़े बनने वाले हैं। तो मैंने यहाँ सारे चिप्स सुखाने के लिए एक न्यूज़पेपर के ऊपर रख दिए हैं। अब ऊपर से इनका जो पानी है उसको भी हम थोड़ा सा सुखा लेते हैं। एक न्यूज़पेपर लेंगे और इस तरह से सबका पानी धीरे धीरे करके सुखा लेंगे। तो जब जेब में ना हो पैसे और खाने का मन कर रहा हो चिप्स या कुरकुरे स्नैक्स, तो फटाफट दो आलू लीजिए और इंस्टेंट नाश्ता तैयार कीजिए और खाइए। और वैसे भी बाहर का खाने से अच्छा है आप घर पे ही बना लें तो ज़्यादा बेटर है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सुखा लेंगे। ये मैंने सारे सुखा लिए। तो अब तेल गर्म कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा तेल हो गया है गर्म, काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया। इसको हम थोड़ा सा लो फ्लेम पर कर देते हैं। लो फ्लेम पे करने के बाद हम धीरे धीरे करके इसमें, ये देखिएगा, ये मैंने एक प्लेट में रख लिए हैं। इनको धीरे धीरे करके मैं कढ़ाई में डालूँगा।
ये देखिए, इनके फ्राइड होने की आवाज़ आप सुन ही रहे होंगे। हल्के लाइट ब्राउन होने तक हम इनको फ्राइड करेंगे। थोड़े से अभी डालते हैं, थोड़े से नेक्स्ट। फ्रेंड्स जब लाइट ब्राउन हो जाए तभी आप इसको उतारिएगा, अदरवाइज थोड़े कच्चे भी रह सकते हैं चिप्स। हम इन्हें यहाँ पे फ्राइड होने देंगे थोड़ी देर, और इसका क्रंचीनेस मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों कितने करारे चिप्स बने हैं इनकी, मैं आपको दिखाता हूँ कितने करारे बने हैं। देखिए कैसे टूट के गिरा है, ये इसका क्रंचीनेस है। तो है ना बहुत बढ़िया और इंस्टेंट तरीका चिप्स खाने का। तो चलिए बनाएं और खाएं और खिलाएं, दूसरों को भी खिलाएं। ना धूप में सुखाने का झंझट, ना ज़्यादा वेट, और सबकी पसंदीदा चिप्स रेडी हैं।